अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 है, पार्ट बी करेंगे, ऑल क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो इससे पहले मैं इसका ए पार्ट कर चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें। और 3.1 से लेकर 3.4 तक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से ये देख लें। तो इससे पहले इसकी छोटी सी चीज़ें समझ लें, ये पिछले ए पार्ट में मैंने समझाई थी, अगर आपने नहीं देखा वो पार्ट तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी इधर मैं समझा देता हूँ। तो अब ये देखें, ये 5 बराबर होता है 1, 0 के, ये किस तरह होता है ये देखें, ये 5 है तो यहाँ पे 5 की टेबल लगती है, क्योंकि 5 बेस 5 है, तो ये देखें बेस 5 लगा हुआ है, तो 5 की टेबल यहाँ पे 1 और ये बाकी बचेगा 0, तो ये 1, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ माइनस में जब हम 1 लेके दूसरों को देंगे, अगर वो 1, 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है वो 5 होगा, ठीक है, क्योंकि अब रिवर्स लगेगा, 5 बराबर 1, 0 के, तो 1, 0 बराबर 5 के होगा। इसी तरह यहाँ 6 जो है वो बराबर होता है 1, 1 के, तो कैसे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, 1, 5, 5 और ये बचा 1, तो ये हो जाएगा 1, 1 के। इसी तरह 7 बराबर होता है 1, 2 के, 8 बराबर होता है 1, 3 के, 9 बराबर होता है 1, 4 के, एंड 1, 0 बराबर होता है 2, 0 के, किस तरह, ये देखें, ये 2, 0, ये 10 है, तो यहाँ पे 5 लगाएं तो 5 कितनी मतलब बचेगा 10 पे 2 टाइम, तो बाकी कितना बचेगा 0 बचेगा, तो देखें ये हो गया 2, 0, ये 5 इसका सिस्टम पेस्ट लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब ये आसान है, तो ये 3, 4 और 2 और ये 1, 2, अब ये इसमें माइनस करेंगे, तो ये देखें 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया, ये बचे 3 एंड 3 का 3 रहेगा, ये बहुत आसान था, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह ये 2, 0, 2 है, ये 1, 4 है, तो ये माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पे, अब ये 2 में से 4 नहीं जा रहे, तो ये 2 में से 1 इधर देंगे, ये हो जाएगा 1, 0, 1, 0 का मतलब होता है कि यहाँ हो गए 5, क्योंकि रिवर्स लगेगा, 5, 5 में से 1 इधर जाएगा, तो जाएंगे ये 1, 2 हो जाएगा, 1, 2 का मतलब होता है 7, मैंने अभी आपको बताया, तो 7 में से 4 चले जाएंगे, तो ये जाएगा 3, इधर बचे 4 बचे, क्योंकि 1 इधर आया था, तो ये होते 1, 0, 1, 0 का मतलब होता है 5, तो ये किस तरह गया, तो यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 1 गया, तो ये हो गया 3 एंड यहाँ बचा 1, यहाँ पे बेस 5 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इस तरफ पे आ जाएं, तो ये 3, 2, 1, 4, फिर 1, 4, 0, 3, अब ये माइनस होगा, तो देखें 4 में से 3 का 1, ये 1 का 1, अब 2 में से 4 नहीं जा ले, तो 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 2 का मतलब होता है 7, क्योंकि 7 बराबर होता है 1, 2 के, तो माइनस में रिवर्स होगा, तो 7 में से 4 गए, ये हो जाएगा 3, यहाँ बचे 2, क्योंकि 1 निकल गया था, तो 2 में से 1 गया, तो ये हो गया 1, यहाँ बेस 5 नंबर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे आ जाए, तो ये हो जाएगा 1, 2, 0 एंड 3, 1, 3 एंड ये 4, ये माइनस करेंगे, तो ये देखें 3 में से 4 नहीं जा रहा, और इधर 0 है, तो 1 इधर इसको देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 0, 1, 0 का मतलब हो गया 5, अब 5 में से 1 इधर चला जाएगा, तो इधर 4 बच जाएगा, तो 1 इधर चला गया, तो ये हो गए 1, 3, और 1, 3 का मतलब होता है जब 8 होता है तो वो 1, 3 होता है, तो ये रिवर्स होगा, तो 8, 8 में से 4 गया, ये हो गए 4, और यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा, क्योंकि 1 निकल गया तो बाकी 1 बचा, 1 में से 1 गया, ये 0 और ये 1 का 1, यहाँ पे 5 लगा देंगे, तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस पे आ जाएँ, तो ये 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे माइनस, तो 1 में से 4 नहीं गए, तो 1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1 का मतलब होता है 6, 6 में से 4 गया 2, और इधर बचा 1, 1 में से 3 नहीं जा रहा, 1 इधर देंगे, तो 1, 1, 1 में से 1, 1 का मतलब होता है 6, 6 में से 3 है 3, इधर बचे 2, 2 में से
टू के तो ये हो गया ज़ीरो, फोर में से बन गया तो ये हो गया थ्री, तो ये हो जाएगा फाइव ज़ीरो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आ जाए तो ये जाएगा फोर टू थ्री वन, यहाँ टू थ्री ज़ीरो फोर। अब ये माइनस करेंगे इसमें, तो एक में से फोर नहीं जा रहे, एक इधर देंगे वन वन, वन वन का मतलब होता है सिक्स, सिक्स में से फोर गया हो गया टू, और यहाँ बचे टू, टू के टू, और टू में से थ्री नहीं जा रहा तो एक इधर देंगे वन टू हो जाएगा, वन टू का मतलब होता है कि सेवन, और सेवन में से थ्री गया यहाँ बचा फोर, इधर बचे थ्री, थ्री में से टू गया ये हो गया वन, तो ये बेस फाइव से लगा देंगे ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये बेस फाइव है इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर थ्री वन ज़ीरो, यहाँ पे थ्री फोर टू और यहाँ पे वन, तो ये माइनस करेंगे, ज़ीरो में से वन नहीं जा रहा तो एक इधर देंगे तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो, वन ज़ीरो का मतलब होता है फाइव, फाइव में से बन गया ये हो गया फोर, इधर बचा ज़ीरो, ज़ीरो में से टू नहीं जा रहा, एक इधर देंगे तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो, वन ज़ीरो का मतलब होता है फाइव, फाइव में से टू गए ये हो गए थ्री, इधर बचे टू तो टू में से फोर नहीं जा रहे, एक इधर देंगे तो हो जाएगा वन टू, वन टू का मतलब होता है सेवन, सेवन में से फोर गए हो गया थ्री, और यहाँ बचे थ्री और थ्री में से थ्री गया तो ज़ीरो, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर ये बेस फाइव लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ये देखें, टू ज़ीरो वन ज़ीरो टू, फिर ये वन फोर टू फोर, यहाँ देखें टू में से फोर नहीं जा रहे तो ये ज़ीरो है तो एक इधर देंगे वन ज़ीरो हो जाएगा, वन ज़ीरो का मतलब होता है फाइव, फाइव में से एक इधर जाएगा वन टू हो जाएगा, वन टू का मतलब होता है सेवन, तो सेवन में से फोर गए हो गए थ्री, तो यहाँ बचे फोर, फोर में से टू गए तो ये हो गए टू, और यहाँ बचा ज़ीरो, ज़ीरो में से फोर नहीं जा रहे तो एक इधर देंगे ये वन ज़ीरो हो जाएगा मतलब फाइव, एक इधर जाएगा ज़ीरो था इधर तो ये वन ज़ीरो, वन ज़ीरो का मतलब फाइव, फाइव में से फोर गए तो हो गया वन, और यहाँ बचे फोर क्योंकि एक इधर निकल गया था तो फोर में से वन गया तो ये बचे थ्री, एंड एक इधर निकल गया तो बाकी बचा यहाँ पे वन, तो ये बेस फाइव इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया 3.5 एक्सरसाइज का, पार्ट सी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।